सेनापति हैं एस जयशंकर, उन्होंने ये तो छवि बना ली कि इस तरह की कहने की औकात इस समय दुनिया के किसी देश की नहीं है, तो ये तो नहीं कहा, लेकिन उसने एक तरह से हस्तक्षेप तो किया, सीधा हस्तक्षेप तो उसने कर ही दिया ना हमारे अंदरूनी मामले में, जो ये चाह रहा था, जो ये ब्रिटेन में जाके कह आया था मनी जी, वो काम तो उसने कर ही दिया कि सीधा हस्तक्षेप तो किया, उसने कहा तो मनी जी मैं बता देता हूँ क्या नोट की के रखा है, ये संयुक्त राज्य अमेरिका कांग्रेस नेता राहुल गांधी से जुड़े उन मामलों पर नजर रख रहा है जो भारतीय अदालतों में चल रहे हैं, यह बात अमेरिकी विदेश मंत्रालय के प्रधान उप प्रवक्ता वेदांत पटेल ने कही, और उन्होंने यह भी कहा कि अमेरिका अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता सहित सभी लोकतांत्रिक मूल्यों के प्रति साझा प्रतिबद्धता पर भारत सरकार के साथ लगातार काम कर रहा है, मगर यह इसकी चर्चा वो अमेरिका में होने का मतलब क्या था? जब तक इसके लिए कोई पैसा ना दिया जाए, कोई एक पूरी लॉबी काम न करे, अन्यथा ये हिंदुस्तान में लाखों लोगों को सजाएं होती हैं, 32 सांसदों को, विधायकों को यहाँ पे सजा दी जा चुकी है, तब नहीं अमेरिका को आग लगी, या उस पत्रकार को जो मैंने कहा ना, वो मेरे ख्याल से पाकिस्तानी पत्रकार था वो, उसको भी ISI ने उससे कहा होगा कि तुम पूछोगे कि हमारा काम तो, हमारे चेले ने तो हमारा काम कर दिया है, अब इस काम को आगे तुम बढ़ाओ, तो वो पत्रकार पूछ रहा था कि राहुल गांधी जो कुछ कह के आया था उसके ऊपर उसने वो, तो वो काम हो गया, मनीष जी वो यही कह रहा था कि उसका उसका सीधा सीधा संदेश था कि अमेरिका और यूरोप या दुनिया के और सारे देश जो हैं वो भारत में हस्तक्षेप क्यों नहीं कर रहे, वो वही बात तो उसने कही, लोकतांत्रिक मूल्य और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, यही सब तो इसने तोते की तरह वहां पर रटा था, इसको जो रटाया था ISI और चीन ने, वही इसने वहां बका था, उसी को उन्होंने अब आगे बढ़ाना शुरू किया है। और सोरोस वाली जो आप बात कर रहे हो, तो मनीष जी पूरा से ना कि वो जादूगर की जान तोते में, ये जितनी लाभी है, जितने खैराती हैं, इस तरह के लोग हैं, 8,000 करोड़ रुपया मनीष जी बहुत होता है, ये सब 2-2 करोड़, 1-1 करोड़ नाचने वाले लोग हैं, तो इनके लिए तो 2024 तक उसके पास खुराक है, और अब वो असर अपना दिखा रहा है, वो अपना असर दिखा रहा है, ये देख लीजिए क्या ये अमेरिका वाली घटना, ताजा घटनाक्रम है ये, ऑस्ट्रेलिया में और इंग्लैंड में जो कुछ हुआ है, हालांकि ऑस्ट्रेलिया की तो खबर आ गई है कि ऑस्ट्रेलिया में तो उल्टा टांगा जा रहा है हमको, जिन्होंने खुराफात की थी वो जल्दी वो नहीं करेंगे, और इंग्लैंड की भी एक बड़ी खबर है मनीष जी, उसके मेरे ख्याल से कल तक पुष्टि हो जाएगी कि भारत सरकार ने जितने वो खालिस्तानी गुंडे वहां नजर आए थे इंडिया हाउस में बवाल करते हुए, उन सबके भारत सरकार पासपोर्ट रद्द करने जा रही है, उन सबके पासपोर्ट रद्द करने जा रही है, तो वहां वो आवारा हो जाएंगे, शरण भी नहीं मिलेगी, बहुत कठिन हो जाएगा इंग्लैंड को भी उनके अपने यहाँ देना, वहां कोई काम धंधा कोर्स पढ़ाई कुछ नहीं कर पाएंगे, जो नौकरी कर रहे हैं वो भी चली जाएगी, तो ये कठोर कदम भारत सरकार उठाने जा रही है, आज उसके साथ जिक्र था, एक दो दिन में उसकी पुष्टि हो जाएगी कि ये बड़ा कदम होगा, तो जिन्होंने तो गुंडों को पैसे के लालच उन्होंने कर तो दिया, लेकिन अब उनको बहुत महंगा पड़ने वाला है, उनको बहुत महंगा पड़ने वाला है। बिल्कुल सर, और जितना ये लोग पाकिस्तान और अमेरिका इनके साथ आएंगे, ये निश्चित रूप से है कि कांग्रेस की सिरदर्दी उतनी बढ़ेगी और मोदी उतना नग्न करेंगे कि विदेशी एजेंटों के हाथ में खेल रहे हैं, जो आज उन्होंने साफ इशारा किया। हाँ सर, उत्तर प्रदेश का माफिया आज सजायाफ्ता अपराधी हो गया, अतीक अहमद। 102 केस, 40 साल से पूरा पूर्वी उत्तर प्रदेश उसके खौफ में जी रहा था। जजों की हैसियत हिम्मत नहीं हो पा रही थी कि उसके मामले पर सुनवाई करे। वकील, सरकारी वकील हिम्मत नहीं जुटा पा रहे थे। मीडिया के साथी जो दिल्ली से जाते थे उसके सामने गिर गिराते थे। सामने कल भी हम लोगों ने विश्लेषण किया, आज भले ही अतीक की से तू तराक कर रहे हो, लेकिन आज वो सजायाफ्ता अपराधी हो गया। लोग तो फांसी की सजा की मांग कर रहे थे, उसके परिजन भी, लेकिन उम्र कैद की सजा इस धारा में कम नहीं होती है, जितना मुझे समझ में आ रहा है। उस अतीक को आज फिर से साबरमती जेल वापस भेज दिया गया। उस वैन में तो मुझे तो लगता है कि समझिए, जिसे अय्याशी की आदत हो, उस मोटे का क्या हाल हुआ होगा कि इस पुलिस वैन में 200 किलोमीटर, 2,000 किलोमीटर अप्स एंड डाउन कराना। आज उत्तर प्रदेश के लिए क्या मैसेज है सर? नहीं योगी ने मनीष क्या जी, संदेश दिया? एक बात और समझ लीजिए कि जितनी बड़ी संख्या में सिपाही उस वैन में है, तो वो वैन में सफर नहीं कर रहा, वो वैन में उसको जमीन पर बैठा गया होगा, कोई इतनी तो जगह ही नहीं होती है, जो कैदी वाली वैन होती है इतनी जगह नहीं होती, जिसमें 15-20 तो उसमें सिपाही बैठे हुए हैं, तो निश्चित है इसको जमीन पे बैठा के सफर करना पड़ा, जैसे उपड़ू बैठ के, तो वो तो एक सजा उसकी हो ही गई। लेकिन एक और बता दूं मनीष जी, आगे हम लोग बात शुरू करें उससे पहले, कि
इन खैरातियों पर कोई असर नहीं पड़ा, पूरे देश ने कल थूका, पूरे इनकी आलोचना हुई, निंदा हुई, भर्त्सना हुई। ये आज फिर मनीष जी उसकी वैन के पीछे चौकीदारी करने उसकी चल दी है। जब इतनी आलोचना के बाद ये कर रहे थे, तो आज इस बात की पुष्टि हो गई कि निश्चित तौर पे इन लोगों को फाइनेंस किया गया ताकि ठीक के साथ चलते रहो, कहीं उसकी गाड़ी पलटने ना पाए, तो वो आज ये क्लियर हो गया।